Good morning, dear children. Welcome to PATH Online Tutorials. Children, as you know that we are studying Chapter 11 of Social Studies these days, Conservation of Resources. Today we are going to study how we can control soil pollution. As I told you, conservation kya hai? Conservation means method to protect the environment from damage. So today we will study about how we can protect our soil from getting damaged. What is recycle? Recycle kya hai? Process to collect and convert the waste materials into new products. मतलब कि अगर हमारे लिए हमने कोई चीज़ खरीदी है और वो हमारे लिए वेस्ट हो गई है after using them, तो अगर हम उसको किसी और चीज़ में convert कर दें और हम उसको reuse करें, that is known as recycling. अब हम किन किन चीज़ों को recycle कर सकते हैं? We can recycle plastics, we can recycle glass, paper. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में न्यूज़पेपर आती है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसके एनवलप्स बना सकते हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग दैट पेपर. प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉटल्स अगर आती हैं तो हम उनको रीयूज कर सकते हैं बाय पुटिंग सम थिंग्स, बाय स्टोरिंग सम थिंग्स इन दोज बॉटल्स. सो इन दिस वे वी कैन यूज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन टू सम न्यू थिंग्स. नाउ वेज टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, हाउ वी कैन कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन. फर्स्ट मैथड इज बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल हम दो लैंड ले रहे हैं, एक लैंड बैरन है मतलब वहाँ कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, और एक लैंड में हमने ग्रास लगाई है या हमने आसपास ट्रीज ग्रो किए. अब अगर तेज हवा आती है या बारिश आती है तो बच्चों कौन सी लैंड में से जो सॉइल है इरोड हो जाएगा. सो इरोड मीन्स सॉइल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ पे बैरन लैंड है, जहाँ पे हमने कुछ ग्रो नहीं किया हुआ, लेकिन जिस लैंड में हमने ग्रास ग्रो की हुई है या आसपास ट्रीज हैं, तो उससे क्या होगा, दे विल द रूट्स ऑफ ग्रास एंड द ट्रीज विल बाइंड द सॉइल, वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे एंड दे विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट द सॉइल पोल्यूशन. देन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए. क्यों? एक तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, वो जो है सिंपलर फॉर्म में या मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होता, और दूसरी बात अगर हम उस प्लास्टिक्स को ऐसे ही रोड में या कहीं भी फेंक देते हैं तो वी नो द हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, और कई बार वो जो है वो प्लास्टिक पॉलीथीन जो है उसको भी वो बाय मिस्टेक जो है खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको चोक करता है. एंड इट ऑल्सो क्लॉग्स द ड्रेन्स. जो ड्रेन्स हैं जहाँ से पानी निकलता है वहाँ भी जो है ये रास्ता रोक देते हैं. सो इन दिस वे इट इज़ पोल्यूटिंग द सॉइल. Then third way by which we can reduce soil pollution is by creating a compost in your house or locality. Compost क्या है? Compost एक decayed organic matter है जो कि leftover food, animals, plants से बनता है, जिसको हम as a fertilizer use कर सकते हैं. अब हम compost को कैसे create कर सकते हैं? We will dig a pit in our house or in our locality and we will put these leftover food, bones of animals or plants into it. और हम उसको ऊपर से cover कर देंगे. तो थोड़े time बाद क्या होगा, this organic matter will convert into fertilizer and it will increase the fertility of soil. In this way we can reduce soil pollution. So what we studied today? We studied what is recycling. We studied different ways to control soil pollution. Thank you.